नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान में ट्रेंड हो रहा है आई सपोर्ट CAA। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से अपील की है भारतवंशियों को कि जिस तरीके से CAA का विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप सभी हिंदुस्तानवासियों से जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक हो या ट्विटर पर हो, आई सपोर्ट CAA के नाम से पूरी तरीके से समर्थन का ऐलान करें, ताकि लोगों और विपक्षियों को खासकर पता चल सके कि किस तरीके से एक बार फिर सरकार के समर्थन में इस देश की जनता सपोर्ट चट्टान की तरह खड़ी है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही 10 मिनट के अंदर, आपको बता दें कि YouTube ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो शेयर किया सदगुरु का। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सदगुरु से जब एक लड़की ने पूछा CAA और NPR NRC को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस देश की रक्षा करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के समर्थन में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए देश के सभी लोगों को इसका समर्थन करने को कहा, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा #ISupportCAA के नाम से ट्वीट करने को लेकर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 मिनट में ही बोलते ही यूट्यूब खास करके फेसबुक और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है, और इसको लेकर अब विपक्षी जो पूरी तरीके से 10 दिन और 20 दिन से जो लगातार इसके खिलाफ साजिश चल रही थी, एक बैग ही धड़ाम हो गई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेंड करते ही यहाँ पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसका ट्वीट कर दिया, और हिंदुस्तान में आई सपोर्ट CAA ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें CAA का समर्थन सदगुरु ने भी किया है, और सदगुरु ने इसके समर्थन में बात कहते हुए कहा है कि मोदी सरकार का ये बिल सबके हित में है। अगर बात की जाए जो मुसलमान यहाँ के कन्फ्यूज़ हैं, उनके हित अहित में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि इस बिल का समर्थन करते हैं, तो #ISupportCAA लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी का बम्पर भर्तियाँ, देश भर के लोग कर रहे हैं आवेदन। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है अभी तक, जम्मू कश्मीर में देश भर से लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों ने एक अच्छी खबर निकली है। और वहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में देश विदेश से, देशों से, पूरे देश के लगभग हर एक राज्य से, यूपी बिहार से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 33 नॉन गजेटेड पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और ये पद जम्मू कश्मीर कोर्स के लिए जारी किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में ऐसी कई वैकेंसियाँ होने वाली हैं, जिसमें देश भर के लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं। आपको बता दें 370 और 35 से हटने के बाद अब आपको नहीं, बल्कि पूरे देश के हर एक व्यक्ति के हर एक राज्य को जम्मू कश्मीर में भी किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने का बड़ा मौका और सुनहरा मौका मिल गया है, और यही कारण है कि देश भर के तमाम लोग जम्मू कश्मीर में निकलने वाले फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो आप भी जम्मू कश्मीर में निकले कई पदों की आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर मेरठ में पाकिस्तान भेजने वाले मेरठ SP को UP DGP OP सिंह ने लगाई है फटकार। जी हाँ, एक ये वाकया निकल गया है। दरअसल यूपी के मेरठ शहर के SP अखिलेश नारायण सिंह के पाकिस्तान जाने वाले बयान के भारी विरोध के बाद अब यूपी के DGP OP सिंह ने उन्हें डांट लगाई है। दरअसल DGP ने SPCT से मौखिक स्पष्टीकरण भी मांगा है। OP सिंह ने कहा है कि पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या फिर कोई विवाद पैदा हो। दरअसल DGP OP सिंह ने कहा है कि न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने जैसे ही इस वीडियो को देखा, हमने संज्ञान लिया और हमने उन SP साहब से इस पे स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमने उनको डांट भी लगाई है और कहा कि तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एक पुलिस अधिकारी को ज़्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों या फिर वहां पर किसी तरीके का विवाद पैदा हो। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो भविष्य में इसका पूरा ख्याल रखेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वाकया हुआ था, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास करके गृह उप मुख्यमंत्री भी समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि जो कहा है, अगर कोई व्यक्ति एक SP के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है इस देश में रहकर, तो SP साहब ने जो कहा वो सही कहा है। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि SP साहब ने सही कहा, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा उन SP के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि DGP का भी काम एक संवैधानिक दायरे में होता है, इसलिए उन्होंने भी थोड़ी फटकार जरूर लगाई है। फिलहाल अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल
10,000 तक बढ़ाने जा रहे हैं सैलरी। जी हाँ, नए साल के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को खुशियां दे सकती है मोदी सरकार, क्योंकि अब नए साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई भत्ते करने के साथ बढ़ोतरी में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में प्रत्येक महीने 10,000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है, वहीं 62 लाख पेंशन धारकों को भी इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जी बिजनेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जनवरी जून 2020 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि एक साल में केंद्र सरकार 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। आप इजाफा जरूरी जनवरी और जून के महीने में किया गया है। नए साल में जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो लगभग 10,000 तक सरकारी कर्मचारियों को जो केंद्रीय लेवल के हैं उनको फायदा हो सकता है। फिलहाल अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर नौसेना के जहाज और एयरबेस पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने अपने सभी जवानों और अधिकारियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, नेवी ने शिप और नेवी एयरबेस पर स्मार्टफोन ले जाने के पर भी बैन लगा दी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है ताकि क्योंकि पिछले दिनों 7 लोगों को नेवी से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप यह है कि 7 लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक जासूस रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें अलीगढ़ जामिया उर्दू के रजिस्ट्रार और ओएसडी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का लगाया गया है आरोप। जी हां, आपको बता दें कि जामिया उर्दू मेडिकल के रजिस्ट्रार और ओएसडी पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। इस मामले पर डीआईजी से शिकायत के बाद विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल क्वारसी थाना क्षेत्र के नई आबादी कमला नगर स्थित कमल सिंह पुत्र स्वर्गीय दौलत सिंह ने पीएफ काटकर वेतन आता था। उन्होंने डीआईजी के नाम लिखी शिकायत में कहा है कि वो करीब 10 साल से जामिया उर्दू मेडिकल रोड में गार्डनर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके खाते में हर माह पीएफ काटकर वेतन आता है, लेकिन सितंबर 2019 में ड्यूटी जाने पर रजिस्ट्रार समुराना नकबी और ओएसडी फरहान अली खान ने उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वो दोनों आरोपियों ने उनकी हाजिर और वेतन पर रोक लगा दी। दरअसल कमल सिंह का कहना है कि इसके बावजूद वो लगातार ड्यूटी पर जाते रहे, लेकिन उनकी हाजिरी नहीं लगती थी और ना ही वेतन मिला है। वो पत्नी मीना देवी के साथ कई बार रजिस्ट्रार और ओएसडी से मिले, लेकिन हर बार वो धर्म परिवर्तन को दबाव बना रहे थे। तो इस तरीके से जामिया के टीचरों का हालात है। चलते हैं अगली बड़ी खबर, झारखंड में खराब प्रदर्शन के बाद बिहार में भाजपा पर दबाव। प्रशांत किशोर बोले, बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को मिले 50% से अधिक सीटें। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार बिहार में पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दरअसल संशोधित नागरिकता कानून के मुद्दे पर भाजपा से खपा चल रहे जदयू नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रशांत किशोर ने अपने एक हाली बयान में कहा है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सीट बंटवारे के तहत ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अभी दोनों पार्टियों के बीच बराबर बराबर सीटें बंटने के आसार हैं। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जहां तक मेरी समझ है, उनके अनुसार जदयू की सीट बंटवारे के तहत 1/4 सीटें मिलनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सीटों को लेकर बीजेपी और जदयू में टकराहट बढ़ सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, गोरखपुर से निकल के आ रही, जहां पर गोरखनाथ के दर्शन करने पहुंचे फिल्म स्टार गोविंदा, सीएम योगी से भी की मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेसी सांसद और फिल्म स्टार गोविंदा रविवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। इस दौरान गोविंदा ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री और गोविंदा के बीच फिल्म शूटिंग और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में लगभग 9:15 पर मुख्यमंत्री की गोविंदा से मुलाकात हुई। इस दौरान यूपी में फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने गोविंदा से कहा कि वो फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में करवाएं, यहां पर अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल को पर्यटन की दृश्य सुंदरीकरण किया गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने उनको आवेदन भी किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर महाराष्ट्र निकल के आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव सरकार में पहली कैबिनेट विस्तार में अजीत बने डिप्टी सीएम, अशोक चौहान ने समेत 36 मंत्रियों ने ली है शपथ। चलते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, बिजली हुई 0:30 ट्रेनें
और 50 फ्लाइट्स हुई रद्द। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली NCR में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। वहीं आज लोधी रोड पर 2.2 डिग्री और नंबर में 2.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। घने कोहरे का असर फ्लाइट और रेलवे पर भी पड़ा गया है, जहां पर रेड अलर्ट के साथ साथ कई जिलों के साथ साथ कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 50 फ्लाइट्स की भी उड़ानों पर असर पड़ा है। हालांकि अभी कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रेल यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये ठंडी बढ़ रही है, ऐसे में सभी लोगों को परेशान कर रखा है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन अगर आप भी CAA का समर्थन करते हैं तो आई सपोर्ट CAA जरूर ट्वीट कीजिए, कमेंट के माध्यम से भी जरूर लिखिएगा।